सास बहू और बेटियां में आज आपको मिलवाते हैं दो ऐसी बेटियों से, टीवी की नहीं हम बोलेंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म की, जो काफ़ी छाई हुई है। मतलब दे आर डूइंग अमेजिंग जॉब, उन्हें देखने में काफ़ी मजा आता है, फिर चाहे उनके वेब शोज हो, उनके इंस्टा पोस्ट हो। सो हियर दे आर, वी आर टॉकिंग अबाउट एहसास एंड सिमरन। वेलकम टू सास और बेटियां, एंड खाते खिलखिलाते हुए हमारे साथ साथ है। सो हाउ आर यू गाइस? हाय, वेरी गुड। हम जाना चाहते हैं, सीजन वन तो बहुत ही कमाल का रहा जिसमें काफी मजा आया ऑडियंस को भी देखने में, तो सीजन टू में क्या इंटरेस्टिंग दिखने वाला है और किस तरह से आगे बढ़ने वाली है कहानी, क्या क्या होने वाला है? सो बेसिकली इन द फर्स्ट सीजन यू गाइज हैव सीन की मतलब मिली इज ऑल फन, मतलब झल्ली सी है और मजाक वजाक करती रहती है और बिना मतलब कुछ भी बोल देती है। बट इन द सेकेंड सीजन थोड़ी सी डिफरेंट होगी, झल्ली तो होनी ही है बट शी इज़ गोइंग टू बी अ लिटिल मैच्योर और कभी कभी शी विल फिगर आउट कि यू नो क्या करना है, कैसे करना है एंड वॉट एम आई डूइंग। सो दैट्स हाउ मिली का कैरेक्टर इस सीजन में होने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी वेरी फन। आई थिंक इस बार सबके कैरेक्टर्स को काफ़ी ज़्यादा तो सारे सबके कैरेक्टर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंस दी गई है, मतलब सबकी जर्नीज हैं, सबका बैक स्टोरी है और सब अपने आप को फिगर आउट करें। इवन रिचा फॉर दैट मैटर, पहले सीजन में वो नई लड़की थी, शी वॉज लुकिंग अराउंड, शी वॉज फिटिंग इन, शी वॉज गेटिंग टू नो एवरी वन, बट दिस सीजन इज मोर अबाउट हर एंड वॉट शी फील्स एंड वॉट हर डिसीजन स्टैंड फॉर एंड वॉट हर प्रायोरिटीज आर। सो आई थिंक बहुत इस बार काफ़ी इंटेंस है शो, बहुत सी कूल चीज़ें हो रही है इस बार। तो हाँ, रिचा और मिली की दोस्ती देखने वाली है हमें इस शो में साथ में, करेक्ट? बहुत ज़्यादा हम आई थिंक इस शो में बेस्ट फ्रेंड्स, हम बेस्ट फ्रेंड गोल्स एक्चुअली। हाँ, हम क्योंकि ये कुछ भी बकवास करती है और मैं थोड़ी सॉर्टेड हूँ, तो हमारा बॉन्ड थोड़ा सा मतलब वी आर क्लोज टू ईच अदर, जैसे पहले सीजन में थे। हाँ, ले ले भाई। तो पहले सीजन में जैसे थे उससे थोड़ा ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं इस सीजन में। सो डेफिनेटली बहुत एक्साइटिंग है। ये तो हुई वेब सीरीज की बात जिसमें आपको दोनों नजर आने वाले हैं, एक खास दोस्ती के रूप में भी दोनों की दोस्ती दिखने वाली है, एज दे सेड फ्रेंडशिप गोल्स विल बी देयर। सो पर्दे के पीछे की बात करें तो कितना फन होता है, कितनी मस्ती होती है और कैसे बवाल आप लोग मचाते हो, आई एम श्योर डायरेक्टर मस्ट बी लाइक सर पकड़ के कि ये लोग कब हंसना बंद करेंगे, ऐसा कुछ होता है? समटाइम्स इट डज हैपन लाइक दैट कि मतलब लोग हंसते ही रहते हैं और ये तो बहुत हंसती आ रही है, ये इसके साथ शूट करना इतना बहुत टायरिंग है, पता है थक जाओगे आप, पता है इसके। और मेरा क्या है, मेरे अधिकतर टाइम मेरे बाजू में खड़ी रहती है ना, ये हम दोनों एक साथ ही रहते हैं, तो ये ना ये पता नहीं कैसी है, ये तो मुझे ये नहीं पता चलता क्यों है ऐसी, इतना हंसती है डायरेक्टर वहाँ चैटी को समझा रहे हैं, बहुत इंटेंस बात और ये हंस रही है और nobody knows why. When did I do that? You do all that a lot of times, Simran. इतनी बार करती है ना कि she's laughing about something and then you are like, तो नहीं इसने कुछ तो कहा चैटी ने, जब कुछ तो अजीब बात पे ट्रिप करती है यार ये, तो मस्ती तो हम बहुत करते हैं, जैसे इवन दिस वैनिटी फॉर दैट मैटर, हम बीच के सारे दरवाजे, हाँ हम बीच के सारे दरवाजे खोल देते हैं। मेरा ये केबिन है मेरा ये केबिन है, पारुल का है और फिर सृष्टि का है और ये दीदी को कोई और अलग वैनिटी, हाँ वैनिटी मिलती है, तो हम ये तीन कर रहे हैं और ये आ जाती है यहाँ पे और हम सारा लंच डिनर नाश्ता ब्रेक रेडी भी होना हम साथ में करते हैं, तो हम चारों, हाँ हम चारों लाइक इन रियल लाइफ आर लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स, तो हमारे लिए तो मतलब स्लम्बर पार्टी एवरी डे होती है, रेडी भी साथ में हो रहे हैं, खाना भी साथ में खा रहे हैं, तो सो इनकी मस्ती तो फुल ऑन चलती है पर्दे के पीछे भी, साथ ही में व्हेन इट कम्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो हाउ अमेजिंग इट इज़ टू वर्क ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म रेदर देन अ टीवी शोज एंड ऑल, हाउ डिफरेंट इट इज़? ऑफ कोर्स इट इज़ डिफरेंट, आई मीन इफ यू टॉकिंग अबाउट टीवी शोज, मतलब ऑफेंड नहीं करना चाहती हूँ मैं किसी को भी, अभी से ही बोल रही हूँ, बट टीवी शोज में क्या, सॉरी टू से दिस अगेन, बट क्या होता है एक ही स्टोरी होती है, लाइक एक ही स्टोरी लाइन है, हीरो हीरोइन में प्यार हुआ है एंड ऑल ऑफ दैट, बट मिल नहीं पाते, हाँ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम है, उन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स है, बट वेब सीरीज में ऐसा होता नहीं है बिकॉज देर इज़ अ लॉट, लाइक काफ़ी अलग अलग जॉनर्स हैं जो लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, काफ़ी अलग अलग चीज़ें, हमें कैरेक्टर्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट तरीके से प्ले करने को मिल रहे हैं, या सो इट्स वेरी डिफरेंट, लाइक टीवी इज समथिंग एल्स एंड वेब इज समथिंग एल्स, यू कॉन्ट कंपेयर देम,
सो या आई फील इट्स वेरी डिफरेंट ऑल्सो टी वी में ना किसी हद तक बहुत सी चीज़ों को लेकर रिस्ट्रिक्शंस हैं वेब में नहीं है वेब में आप बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हो ऑल्सो बिकॉज टी वी फैमिली देखती है बहुत कुछ होता है तो हम कुछ मुद्दे कुछ बातें कुछ कॉन्सेप्ट नहीं टी वी पर हम उठा सकते और उससे बात कर सकते हैं तो वेब में आपको वो लिबर्टी मिलती है वो फ्रीडम मिलती है आपको कुछ भी करने की तो आई थिंक दैट इज़ देयर एंड ऑब्वियसली इट्स वेरी डिफरेंट वेब एंड टी वी इज़ वेरी डिफरेंट मुझे काफ़ी टाइम हो गया टी वी के मैंने 2016 में छोड़ा था टी वी करना तो मुझे तो अभी मुझे पता ही नहीं अभी कैसे काम करता है टी वी आई हैव नो आइडिया बट आई एम हैविंग अ लॉट ऑफ फन आई नेवर लाइक डिजिटल वॉज नेवर प्लान फॉर मी तो बट आई एम वेरी लकी एंड हैप्पी टू बी But as you became nowadays you are like a brand when it comes to digital no doubt in that kaisa hota hai okay ehsaas ka show hai so ek baar to dekh hi sakte hai yaar thanks guys oh my god aisa hai kya okay I'm just giving you the insight oh shit yay बिकॉज वेन इट कम्स टू सिमरन ऑल्सो आपके भी कई सारे शोज रहे हैं लेकिन फुल फ्लेज्ड वी आर सीइंग यू इन दिस उसके अलावा भी शोज आपने किए नो डाउट इन दैट सो व्हाट वाज योर फेवरेट व्हिच यू हैव डन टिल नाउ एज इन इन वेब सीरीज सो दिस इज एक्चुअली इफ आई टेल यू मैंने वेब सीरीज काफ़ी कम की है लाइक मैंने एक की थी ऑकवर्ड कॉन्वर्सेशन विच वॉज विद रश्मि अगड़ेकर एंड दिस इज द सेकेंड वन मैंने सिर्फ दो वेब सीरीज की है बट दिस इज द बेस्ट आई मीन बिकॉज लाइक या बिकॉज इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल माई कैरेक्टर इज़ वेरी डिफरेंट दूसरी चीज दोस्त बन गए ना नाउ इट्स जस्ट लाइक अ फैमिली एंड इट्स सो डैम नाइस इन लोगों के साथ आई हैव अ लॉट ऑफ फन विद दीज पीपल सो ऑफकोर्स डिफरेंट एंड आई लव दिस सेट सो मच हाउ यू फील व्हेन समबडी सेज एहसास तू है तो देखूंगा बाप रे मैं बहुत वैलिडेशन है यार मेरा ईगो बूस्ट हो जाता है बहुत ज़्यादा तो मेरे से बहुत बिग थिंग मतलब किसी के लिए भी होगी सॉरी मैं खा रही हूँ रूड मैं मेरी बहुत भूख लग रही है बहुत भूख लग रही है मैं बहुत खाती हूँ या नहीं आता नहीं नहीं आता है मैं ये देखती हूँ बहुत नज़र आता है मेरे अच्छा मेरे कह रही है नहीं ओके सो साथ ही मैं व्हेन इट कम्स टू प्लेटफॉर्म्स एंड क्रिएटिंग अ कंटेंट क्योंकि आप पर्सनली भी काफ़ी सारा कंटेंट बना बना के यू पुट ऑन योर सोशल मीडिया एंड ऑल सो हाउ यू डू दैट कोई नहीं मैं इतना नहीं करती मैं टिकटॉक बनाया करती थी एक ज़माने में बहुत बहुत फिर मुझे टाइम नहीं मिलता था तो मैं नहीं कर पाती थी योर वीडियो व्हिच इज़ गेटिंग वायरल इज़ लाइक दैट वीडियो इज़ हाँ द रील यू व्हाई डोंट यू शेयर दैट रील शादी कर दो एंड ऑल पढ़ाई में मन नहीं लगता वाला के साथ किया ना मैंने हाँ हम लोग पागल हो गए हम कोटा में शूटिंग कर रहे थे और हम दोनों का ऑफ था और बाकी सब शूट कर रहे हैं और कोटा में अगेन ऐसा है कि सब दोस्त हैं सब इट्स लाइक अगेन लाइक अ फैमिली तो वहाँ ऐसा हो गया था कि हम अपने रूम्स में नहीं रहते थे हम किसी के रूम में रहते थे मैं रेफी के रूम में पूरा टाइम रहती थी और हमें लगा कि हम ऐसे दोनों अपने फ़ोन में लगी हुई है हमें और ये गाना पॉप हुआ और मैंने बोला यार रेफी इस पर रील बनाते हैं तो हम दोनों नाइट सूट में हैं और लिटरली जैसे स्लम्बर पार्टी होती है ना हमने वही किया और हम वो एक नहीं है हमने 6-7 वीडियोज़ बनाई है बहुत अलग अलग जो मैंने अभी तक डाली नहीं है ये डाल दी और हमने कुछ तो बहुत रैंडम और ये वी बोथ आर इन आवर एलिमेंट हम ऐसे ही हैं हम इतने ही पागल बकवास करते रहते हैं हाँ तो वी बोथ आई थिंक दैट्स सो इवन लाइक व्हेन आई क्रिएट थिंग्स आई थिंक आई जस्ट बी माई सेल्फ आई बी इन माई एलिमेंट एंड पीपल रियली रियली लाइक तो हाँ मतलब आई एम जस्ट लाइक माई सेल्फ तो और मम्मी के साथ भी मैंने एक वीडियो बनाया है छोटा कुत्ता टॉमी हाँ वो भी काफ़ी वायरल हुआ तो आई थिंक ये सब चीज़ें ही वर्क करती है मेरे लिए और जैसे स्लो मोशन में बाल उड़ाना ये सब नहीं होता नहीं होता नहीं होता मुझे लगता है मैं जितनी फनी और मैं जितनी नेचुरल रहती हूँ आई थिंक दैट वर्क्स आई थिंक डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्लस पॉइंट ये है कि यू कैन पोर्ट्री योरसेल्फ वेरी नेचुरली क्योंकि आपको किरदार ही आपके तरह के मिलते हैं राइट या हाँ मैंने भी जितने भी किरदार अभी तक किए हैं सारे कहीं ना कहीं रिचा फॉर देट मैटर इज़ वेरी वेरी क्लोज टू हु आई एम हु एहसास वेरी सिमिलर तो वो भी ईजी होता है और लोगों को शायद वो भी इतना बेटर अच्छा लगता है दैट इज़ वॉट वर्क बट ऑब्वियसली मुझे डिफरेंट काइंड ऑफ रोल करने काफ़ी कुछ करना है तो करना तो है Coming to that, what kind of roles you guys are looking? मतलब as you said कि करना है, there is a bucket list kind of कि ऐसा कुछ करना है. So why don't you share with the audience which kind of characters you are looking forward for? Nothing specific I have in mind yet. Obviously different. जैसे I really like Joe's character from the show. Oh, I love. हाँ, I love. So
I would want to definitely want to try something like that. Yeah, even like Zahira's character from the show. So, ये सब मैंने नहीं किया. I've never played a diva on screen. I've never played like a tomboy on screen or like a very lonely, angry young woman on screen. So, I think these kind of roles I would definitely want to try. Yeah. हाँ, मतलब ये बहुत सी चीजें हैं. I love Joe's character so much. मुझे सबसे ज़्यादा Joe का character ना, I really like Ramya Mantri also. Shreya, who's playing, yeah. So I love ये दोनों characters मुझे बहुत पसंद है और मैंने ऐसा कभी किया नहीं है. Like I was doing one show on Sony TV. That was Pehredar Priyaki and it was yeah. So I had a negative role in that. मुझे पहली बार मिला था. I was so happy and I love. हाँ. It was negative ना और मैंने कभी किया नहीं था. सो और ये तो बहुत पहले की बात है, मैं ऐसे ही बोल रही हूँ. बिकॉज सो या आई रियली वांट टू ट्राई समथिंग डिफरेंट लाइक राम्या मंत्री और लाइक जो. सो या लाइक एक्सप्लोर करना तो बहुत बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है. बिकॉज अभी तक मैंने जितने भी कैरेक्टर्स किए हैं ना, मोस्टली बबली ही रहे हैं कि बबली है, फनी है, फन है उसकी. ऑफर भी ऐसे ही आते होंगे सारे कैरेक्टर्स, राइट? नॉट सारे ऑफर्स, ऐसा नहीं है कि सारे ही ऐसे आते हैं. कुछ कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं विच आर वेरी डिफरेंट. सो ऐसा है प्लान, ऐसा है कि हाँ कुछ डिफरेंट करना है. बट नाउ लेट्स सी. वी विश यू कि आपको जो जो आपने सोचा है वो सब मिले. और यहाँ पे क्विक गेम खेलने वाले हैं हम, विच इज़ गोना बी द फिल्मी कीड़ा. सो अब दोनों यार एक्टर हो तो डेफिनेटली फिल्मी कीड़ा तो होगा ही अंदर. सो आई विल गिव यू अ सिचुएशन एंड यू नीड टू गेस व्हाट फिल्म और अ सॉन्ग आई एम टॉकिंग अबाउट. से द फर्स्ट इज अ विनर. ओके, सो हियर कम, स्टार्टिंग विद अ वेरी बेसिक वन. येलो साड़ी एंड बारिश. टिप टिप बरसा पानी. टिप टिप बरसा पानी. ओके, द सुहागन एंड वेटिंग फॉर चांद. चांद छुपा नहीं. केतरी जी. अरे बोले चूड़ियां. यार ये तो सबसे ज्यादा है. मुझे कुछ भी नहीं आता यार. नहीं मैं सोच रही थी कि यार कुछ तो होगा. ओके, नाउ कमिंग टू द अनदर सॉन्ग. गर्ल प्लेइंग गिटार सिंगिंग अ सॉन्ग फॉर अ लवर एंड समबडी थिंकिंग दैट इट्स फॉर हिम. ना खोड़ियो जब तक है जान. हीर कतरीना कैफ वो गिटार बजा रही थी और वो गाना गा रही थी शाहरुख खान के लिए. जब तक है जान में है ऐसा. मैं प्रेम की दीवानी हूँ. गाना गाना नहीं आ रहा मुझे. मुझे भी नहीं है. तुमसे हमको प्यार है सिर्फ बस बस. वो अभिषेक बच्चन वहाँ अलग प्राइड ले रहा है, मेरे लिए गा रही है. गाओ तो देख के रही है पागल. Okay, the another song is like it's a patriotic song performed on stage and the girl is blind. Fana. Fana. Are yaar. Wo katha kar rahi hai. Oh shit. Ek second. Dekho na. Hawa kuch hole hole. Chup kar na do. Do minute. Chance se parish. Nahi. Chup kar do. Tujhe nahi milna point hai. Mujhe hi milega. Nahi nahi nahi. Mat try kar. मेरे हाथ में. नो शट अप यार सिमरन. अरे मुझे गाना नहीं आ रहा. पता है मुझे नहीं आता वो गाना, पर मुझे पता है. आई कैन सी द सॉन्ग प्ले. इट्स एट द राइट नेम. इट्स देश रंगीला 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 देश मेरा रंगीला. ओके, दिस इज द सिचुएशन. इट्स अ कॉलेज. थ्री गर्ल्स थ्री बॉयज ऑल आर प्लेइंग होली. ये जवानी है दीवानी. तो बरम पिचकारी. कॉलेज है ना. जैसा इन्होंने कहा था कि हम वैनिटी के सारे डोर्स ओपन कर देते हैं और सब एक साथ हो जाते हैं, तो फिलहाल दो से तीन हो गए हैं. एंड हियर कम सृष्टि. हाउ आर यू? आई एम वेरी गुड. हाउ आर यू गाइस? हाउ वाज लॉकडाउन फॉर यू? सक्ड. या ऑल्दो वी वर डोंट फील वेरी मच, तो यू सेड आई वाज लॉकडाउन फॉर यू गाइस. इट वाज नॉट वेरी नाइस ऑनेस्टली. बट अच्छा ये हुआ था कि अ फिल्म ऑफ माइन रिलीज ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड उसके बाद जो भी हुआ वो अच्छा था. बस बाकी तो बहुत ही या. लेकिन साथ ही में एज वी वर टॉकिंग अबाउट द कंटेंट आल्सो इन डिजिटल प्लेटफॉर्म, सो यू आर आल्सो लाइक, मतलब आपका कोई वीडियो आता है, कोई रील आता है, इट गॉट वायरल, योर डायलॉग्स, योर थिंग्स, व्हाटएवर यू डू गोस सो अप. सो या इट इज लाइक दैट सृष्टि. आई रियली डोंट वांट टू एक्सेप्ट दिस बिकॉज़ इट्स नॉट ट्रू. ये लोग हैं हमारे. नहीं, नहीं, मैं, नहीं, मैं, नहीं, मैं, नहीं,
आई जनरली पुट आई हार्डली पुट एनी थिंग और अभी मैं कभी मन कर गया डांस कर रही हूँ तो वो डाल देती हूँ, कुछ वायरल वायरल नहीं होता प्लीज प्लीज या वी हैव सीन योर मेनी ऑफ द वीडियोज जो स्पेशली स्टार्टिंग में आए थे मालिका दुआ के साथ एंड दैट ऑल क्रिएटेड बज़, और उसके बाद में एक अलग ही पर्सोना सामने आया कि ओके लड़कियाँ ऐसी भी होती है व्हेन इट कम्स टू डिजिटल प्लेटफॉर्म और एनी शो. सो एक्चुअली यू गाइज गेव अनदर जोन टू द गर्ल्स एज वेल कि ऐसा तुम आओगे तो ओपन कर सकते हो यार बोलो. नो आई थिंक ऐसी लड़कियाँ तो हमेशा से ही थी. मे बी गलियापा गेव gave a visual of yes this is possible and this happens, but girls have been like this. We just have a thing ki ladkiyan koi hain shy hain. I think we broke the stereotype, but women have been like this. Yeah, put out in the world and it's inspired from real life. I feel kyunki main janti hu bahut ladkiyon ko jo hain ki bhai tu galat hai to chup baith. To wo hum log ne dikha diya, which is why probably more girls are confident to speak for themselves now, so we are good. Galiyapa is good. What kind of messages you get? Because I'm sure there must be so many people who must have DM. मुझे मैसेज क्या आया? अच्छा. उस दिन मैं नीचे गई थी अपने भाई के साथ, मैं नीचे चिल करने गई थी और मैंने सलवार कमीज पहनी हुई है और मुझे एक लड़की आ कहती है, ओह यो आप यो कैसे हो, मतलब मैंने बोला मैं ठीक हूँ आप कैसे हो, मैं ठीक हूँ, मैंने आपको पहचाना कैसे मास में, आपको मैं जानती हूँ, मैंने बोला अच्छा ठीक है, मैंने बोला कहती क्या यार आप क्या कुर्ता उर्ता पहन के आए हो, यो करो, मैंने बोला भाई एक मिनट मैं जो हूँ मैं यो हूँ नहीं जीवन में, वो मैं कैरेक्टर प्ले करती हूँ. एक ये है कि सबको लगता है कि मैं आके तो मैं पहली चीज़ गाली दूंगी, विच इज़ नॉट ट्रू, आई एम दी ऑपोजिट. एंड सेकेंड ऑल्सो दे से रियल लाइफ में बहुत सुंदर हो, मैंने बोला भाई आप कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ, आपको समझ नहीं आ रहा कि किसी को ऐसे उल्टा नहीं बोलना चाहिए, रियल लाइफ में बहुत डिम्पल डिम्पल पड़ते हैं आपके डिम्पल डिम्पल, व्हाट डू यू से टू दैट, सो दीज आर सम थिंग्स. और गाली दे दो, ये कर दो, वो कर दो. हाँ या मुझे कहते हैं कि आप राधिका आपटे के बाद में जरा गाली दे दो, रैंडमली आए थे इसके साथ, अरे मैडम जरा गाली दे दो, क्या सॉरी ये हम लोग काट देंगे काटते हुए आगे बढ़ते हुए. सो यस एज यू रिमाइंडेड मी ऑफ राधिका आप्टी यू डू सो वेल, तुम्हें नहीं याद आया, ये डू इट अमेजिंग, कम ऑन गर्ल यू कैन डू दिस, या यू कैन, मैं बताता हूं दिक्कत ये है कि मेरा निकल गई है राधिका आप्टी वो खत्म, बिकॉज मैं करती नहीं हूं ना इतना, तो वो अब नहीं, अब मैं कोशिश करती हूँ तो मैं बस बेवकूफ़ लगती हूँ बहुत करते हुए तो मैं नहीं करती, मैंने कोशिश की कई बार, व्हाई यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस, नहीं नहीं हो रहा है देखना, व्हाई यू टॉकिंग टू मी लाइक दिस, डू आई लुक लाइक अ, या नो दिस नॉट, नहीं हो रहा है. कोई बात नहीं, अगर आपको देखना है तो आप ऐसा इसके पुराने वीडियोस देख लीजिएगा. लेकिन कमिंग टू सृष्टि, सो एज वी वर टॉकिंग अबाउट द जो कैरेक्टर एंड इट इज अगेन यो कैरेक्टर, सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? आई फील मोर देन अ यो कैरेक्टर, शी इज अ वेरी, शी इज अ फियरलेस कैरेक्टर एंड शी इज समवन हु स्टैंड्स बाय हर ग्राउंड एंड यू नो डज व्हाट शी वांट्स टू डू. ऑफ कोर्स उसके कुछ हैं अलग अलग लेयर्स हैं, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर मी इज कि उसको कुछ गलत लगता है तो वो नहीं करती है, विच इज़ माई मोस्ट फेवरेट थिंग अबाउट जो. एंड शी इज़ वेरी लाइक ट्रांसपेरेंट इन दैट सेंस कि जो मैं दिखा रही हूँ वो मैं हूँ, अब तुम्हें रहना है नहीं रहना है वो तुम्हारे हाथ में. सो दैट्स माई मोस्ट फेवरेट पार्ट अबाउट जो एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर टू प्ले, बिकॉज आई रिमेंबर फर्स्ट सीजन में हम लोग बहुत ट्राई कर रहे थे कि क्या होगा कैसे होगा, एंड आई टोल्ड चैटी कि यू नो आई डोंट वॉन्ट टू प्ले बैड एस, ही सेड इट्स नॉट बैड एस, इट्स समथिंग एल्स, इट्स काम, इट्स बच्चन बेसिकली. तो फिर मैंने बोला अच्छा इट्स बच्चन नहीं, तो फिर एंड देन सेकेंड सीजन आई गॉट टू एक्सप्लोर अ लॉट मोर. आप देखोगे शो में कि इसमें बहुत था खेलने के लिए मेरे पास, तो मुझे तो खूब मजा आया जो करने में. इट्स अ कैरेक्टर दैट आई हैव केप्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट एंड या लाइक आई थिंक ऑल ऑफ अस वॉन्ट टू बी लाइक जो, कि हिम्मत आए जो करना है वो कर लो, मतलब यू नो दैट्स या जो इज ब्रिलियंट, शी इज द बेस्ट. सो एज यू सेड कि यू आर नॉट लाइक योर कैरेक्टर, सो हाउ इज सृष्टि इन रियल? यार मैं बहुत ही स्वीटी इंसान हूँ यार, आई एम वेरी स्वीट है ना, डोंट यू थिंक? आई लव हर, आई एब्सोल्युटली लव हर, लव हर, मैं बोलते हैं मुझे योर फेवरेट पर्सन इन द एंटायर वर्ल्ड है. वाओ, सी अच्छी क्वालिटी है, मैं बहुत ही स्वीट इंसान हूँ और मैं किसी को मुंह पे बोल नहीं सकती कि तू बहुत खराब इंसान, आई कांट डू इट. ऐसा होता है कि कोई लड़का आके तुम्हारे सामने लिटरली उसकी कि भाई इससे बात करना इज नॉट इजी टास्क समथिंग लाइक दैट? नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ है, लड़के बहुत ही बेकार हैं, आके बात कर लेंगे आके, नहीं यार ऐसा नहीं हुआ.
I mean, no. I don't. People who don't know me think that I am very like you know. You have to keep your distance. But when they get to know me, then they're all over me. So yeah. So ये तो हुई ढेर सारी पर्दे के पीछे बात. और अब जब चार लड़कियाँ एक साथ बैठेंगी तो बातें खत्म नहीं हो पाती है. So we should end it right here. चार लड़कियाँ बातें खत्म करके कट भी सकती हैं. ऐसा कुछ नहीं है. मैं एंड कर रही हूँ यहाँ पर. सो यहाँ पर लास्टली अपने सारे ऑडियंस को बता दीजिए कि कब कहाँ कैसे आप लोग को देख सकते हैं. गाइज, गर्ल्स हॉस्टल इज रिलीजिंग ऑन सोनी लिव ऑन 19th of Feb. प्लीज भूलना मत. और ये बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, तो प्लीज डू नॉट मिस दिस. यस, प्लीज गो डाउनलोड सोनी लिव राइट नाउ एंड वॉच गर्ल्स हॉस्टल सीजन 2. वॉच गर्ल्स हॉस्टल. और सीजन 1 नहीं देखा है तो सोनी लिव पे दोनों सीजन है. या प्लीज देखें जाके. थैंक यू. इनका शो देखिए और साथ ही पर्दे के पीछे की मस्ती आपने देखी सास बहू बेटिया के साथ. तो लेते हैं आपसे विदा. कैमरा पर्सन स्वराज के साथ श्रुति बढ़ जाते हैं. मुंबई आज तक.